सुखमय वृद्धावस्था 50 वर्ष से अधिक उम्र वाले इस पोस्ट को सावधानी पूर्वक पढ़ें। अपने स्वयं के स्थायी आवास पर रहें ताकि स्वतंत्र जीवन जीने का आनंद ले सके। अपना बैंक बैलेंस और भौतिक संपत्ति अपने पास रखें। अति प्रेम में पड़कर किसी के नाम करने की ना सोचें। अपने बच्चों के इस वादे पर निर्भर ना रहें कि वो वृद्धावस्था में आपकी सेवा करेंगे, क्योंकि समय बदलने के साथ उनकी प्राथमिकता भी बदल जाती है और कभी कभी ना चाहते हुए भी वे कुछ नहीं कर पाते हैं। उन लोगों को अपने मित्र समूह में शामिल करें जो आपके जीवन को प्रसन्न देखना चाहते हो, यानी सच्चे हितैषी हों। किसी के साथ अपनी तुलना ना करें और ना ही किसी से कोई उम्मीद रखें। अपनी संतानों के जीवन में दखल अंदाजी ना करें। उन्हें अपने तरीके से अपना जीवन जीने दें और आप अपने तरीके से जीवन व्यतीत करें। आप अपने वृद्धावस्था का आधार बनाकर किसी की सेवा करवाने तथा सम्मान पाने का प्रयास कभी ना करें। लोगों की बातें सुनें लेकिन अपने स्वतंत्र विचारों के आधार पर निर्णय लें। प्रार्थना करें लेकिन भीख ना मांगे, यहाँ तक कि भगवान से भी नहीं। अगर भगवान से कुछ मांगे तो सिर्फ माफ़ी एवं हिम्मत। अपने स्वास्थ्य का स्वयं ध्यान रखें। डॉक्टरी परीक्षण के अलावा अपने आर्थिक सामर्थ्य अनुसार अच्छा पौष्टिक भोजन खाएं और यथासंभव अपना काम अपने हाथों से करें। छोटे कष्टों पर ध्यान ना दें। उम्र के साथ छोटी मोटी शारीरिक परेशानियां चलती रहती है। अपने जीवन को उल्लासपूर्वक जीने का प्रयत्न करें। खुद प्रसन्न रहें तथा दूसरों को भी प्रसन्न रखें। 50 से अधिक उम्र वाले अपने मित्रों के साथ ये पोस्ट जरूर शेयर करें और इनके बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके बताएं। और अपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस पोस्ट को अंत तक पढ़ने के लिए धन्यवाद।